वह 100, 115 से लेकर 496 तक की संख्या में उनको ऑब्जर्व किया गया है। इसी के साथ ही अगर हम मॉर्टेलिटी पर लैक पॉपुलेशन को एनालाइज करें तो ओवरऑल हम देखते हैं कि जहां 4.2 पीपल पर लैक पॉपुलेशन अक्रॉस द वर्ल्ड दे हैव डाइड बिकॉज ऑफ कोविड-19, इंडिया में उसका स्टेटस अब करीब 0.2 केसेस डेथ्स रिपोर्टेड पर लैक पॉपुलेशन है। और उसको कंपैरिजन करें कि अगर पूरी दुनिया के केसेस को हम उस तहत से देखते हैं तो पाते हैं कि एज आई एस 59, 53, 52, इस तरीके से अगर देखें तो 10 देश तो ऐसे हैं, 9 देश तो ऐसे हैं जहां पर कि 10 से अधिक की संख्या में पर लैक पॉपुलेशन मोर्टेलिटी भी रिकॉर्ड हुई है। इसको अगर हम 10 मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज से कंपेयर करें तो पाते हैं कि करीब 6 कंट्रीज में तो 2 लाख से अधिक केसेस रिकॉर्ड हुए हैं और उसमें एज हाई एज 14 लाख के करीबी केसेस दुनिया में इंडिविजुअल देशों में रिकॉर्ड किए गए हैं। इसके साथ ही अगर हम डेथ की भी एनालिसिस करें तो देखते हैं कि 6 देश ऐसे हैं जहां पर कि 10,000 से ज्यादा डेथ भी रिकॉर्ड हुई हैं और उसके कंपैरिजन में, जबकि यह भी हमारे लिए काफी दुख का विषय है कि हमारे देश में इतनी भी डेथ रिकॉर्ड हुई है, बट रिलेटिवली आई थिंक कि जो हम लोगों का एफर्ट रहा है स्टेट्स के साथ मिलकर, देश के हर नागरिक के साथ मिलकर जो हमने एफर्ट किया है उससे रिलेटिवली वी वर एबल टू मैनेज द सिचुएशन वेल सो फार, दो द चैलेंज स्टिल कंटिन्यूज। इसमें हम लोगों ने एक और तरीके से इसको एनालाइज किया, देखा तो पाया कि अगर हम 15 मोस्ट इंपैक्टेड देश ने दुनिया के, तो उनकी करीब पॉपुलेशन 142 करोड़ के करीब होती है और हमारे देश की पॉपुलेशन 137 करोड़ अगर हम मानकर चलें तो हम देखते हैं कि करीब अगर 36 लाख केसेस पूरी दुनिया में इन 15 देशों में रिकॉर्ड हुए तो उसके कंपैरिजन में 1 लाख के करीब केसेस हमारे देश में रिकॉर्ड हुए। और उसी तरीके से अगर 2.7 लाख के करीब वहां डेथ रिपोर्ट हुई हैं तो हमारे यहां 3,300 के करीब डेथ हमारे देश में रिपोर्ट हुई हैं। इसको अगर एक और दूसरे वे में हम एनालाइज करना चाहें तो हम देखते हैं कि भारत की जनसंख्या इन 15 देशों के करीब बराबर जनसंख्या होते हुए भी हमने देखा कि अगर हमारी सिमिलर जनसंख्या है तो इन 15 देशों में भारत के मुकाबले 34 गुना अधिक केसेस आए हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं तो पाते हैं कि इन 15 देशों में भारत के मुकाबले 83 गुना अधिक डेथ भी वहां पर रिपोर्ट हुई हैं। व्हाइल दिस बीइंग द सिचुएशन आई वुड लाइक टू रियली रिक्वेस्ट एंड अर्ज अपॉन कि यह हमारे लिए एक सेटिस्फैक्शन का विषय नहीं हो सकता। हमारे लिए सेटिस्फैक्शन के लिए जरूरी है कि हमारे के देश में कोई भी अगर पॉजिटिव केस आए तो कैसे हम उस पर काम करें, कैसे उस पेशेंट को हम बचा पाएं, कैसे उस पेशेंट के लिए हम अफर्ट करें, उसको रिक्वायर्ड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें, यह हमारा फोकस होना चाहिए। उस विषय में भी एक रिलेटिव पॉजिटिव न्यूज में आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा। तो जैसे कि अगर हम इस ग्राफ में देखते हैं तो हम पाते हैं कि जब हमने लॉकडाउन स्टार्ट किया था तो हमारे यहां पर रिकवरी रेट अराउंड 7.1% था। एफर्ट करते रहे, फोकस रहा कि हम कोशिश करें कि हम अर्ली केस आइडेंटिफिकेशन करें, उसके साथ ही जो हमारा क्लिनिकल मैनेजमेंट जो भी पॉजिटिव केस है उस पर हम एफर्ट करें, तो उसके तहत हमने देखा कि यह रिकवरी रेट बढ़ते हुए सेकेंड लॉकडाउन जब हमारा शुरू हुआ तो 11.42% के करीब था, धीरे धीरे बढ़ते हुए वह 26.59% हुआ और आज हम पाते हैं कि अराउंड 39.62% यानी कि अप्रोक्सीमेटली 40% लोग जो कि कोविड पॉजिटिव पाए गए वह रिकवर हो चुके हैं। इसके साथ ही एक और मुख्य अंश में आपकी दृष्टि में लाना चाहूंगा, इसके साथ ही अगर हम और डेटा को एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि करीब जो हमारे यहां एक्टिव केसेज हैं करीब 61,000 केसेज, उसमें से भी केवल ऑक्सीजन सपोर्ट 2.94% केसेस को उसकी जरूरत है, वो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स में अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं। करीब 3% केसेस आईसीयू रिलेटेड सपोर्ट है और उसके साथ ही करीब 0.45% केसेस वेंटिलेटर पे हैं। यह डेटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके तहत हमें पता लगता है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन पर फोकस होने की वजह से, सर्विलेंस पर फोकस होने की वजह से हम टाइमली आइडेंटिफिकेशन जो केसेस का कर पाते हैं उससे हमारे देश में केसेस सीरियस केसेस में ना कन्वर्ट होते हुए हम रिलेटिवली अराउंड 6.39% ही ऐसी सिचुएशन पाते हैं कि जिसमें केसेस रिलेटिवली उनको एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट की जरूरत है। जिसका एक और इंप्लीकेशन अगर आप देखें
तो लॉकडाउन के समय में हमने कंटिन्यूड एफर्ट करते हुए पिछले ऑलमोस्ट 2 महीने में अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को जो अपग्रेड किया है, जिसके तहत हमने अपने यहाँ पर आईसीयू बेड्स, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स और वेंटिलेटर्स को जो अपग्रेड किया है, और करीब 1.5 लाख आज हमारे पास अगर बेड अवेलेबल है देश में, साथ ही हमने जो एडिशनल एफर्ट्स और कंटिन्यूअस बेसिस पे हम अपने बेड्स को जो अपग्रेड करते आ रहे हैं, तो उससे लगता है कि आने वाले समय में भी अगर हमारे यहाँ केसेज आते हैं तो एक तरफ जैसे हमने बात की है कि 40% केसेस हमारे रिकवर हो चुके हैं और केसेस भी नॉन सीरियस स्थिति में हैं और रिकवरी के रास्ते पर हैं, रिकवरी उनको भी जल्दी हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो उसके साथ ही हम केसेस को मैनेज करने के लिए देश के तरफ स्टेट्स के साथ मिलकर हर तरह से सक्षम है, मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा। इसके साथ ही हमारा फोकस रहना चाहिए कि जो भी केसेज हैं, जहां पर भी हमारे केसेज आए हैं, वहां स्ट्रिंजेंट कंटेनमेंट मेथड्स पर काम करें। हमारे लिए जब तक कि कोई एक वैक्सीन या ड्रग दुनिया और देश मिलकर तैयार नहीं कर लेता, तब तक हमारा फोकस प्रिवेंटिव एक्शन पर रहे। लॉकडाउन एक उसके तहत किया हुआ एक हमारा पब्लिक के साथ मिलकर किया हुआ एक मेजर एफर्ट था, उसके साथ ही हम हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन और एनवायरमेंटल सैनिटेशन पर काम करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग को एक नॉर्म के रूप में अपनी लाइफ में लाएं। मैं अंत में आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो ये इंडिया की बैटल है कोविड 19 के अगेंस्ट, यह पीपल ड्रिवन है और इसके लिए जरूरी है कि समाज का हर नागरिक हमें अपना सपोर्ट दे, अपने आप को सुरक्षित रखे, अपने साथ को सुरक्षित रखते हुए अपनी फैमिली को सुरक्षित रखे और समाज में अपना योगदान दे, ताकि कलेक्टिवली मिलकर हम इस बैटल को लड़ सकें। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं अब रिक्वेस्ट करता हूं गृह मंत्रालय के प्रवक्ता से। मैडम प्लीज। जैसा कि आप जानते हैं, लॉकडाउन को लोक हित में 31 मई तक बढ़ाया गया है और गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन से संबंधित नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिनमें राष्ट्रीय स्तर पर कुछ सीमित गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी, साथ ही कंटेनमेंट जोन्स में केवल आवश्यक सेवाओं की अनुमति होगी। परिस्थितियों के अनुसार राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें अपने अपने क्षेत्रों के लिए दिशा निर्देश जारी कर चुकी हैं। वे स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्धारित मापदंड के अनुसार रेड, ऑरेंज, ग्रीन, बफर एवं कंटेनमेंट जोन्स का सीमांकन कर रही हैं। गृह मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ मिलकर लॉकडाउन मेजर्स को मॉनिटर कर रही है। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आईसीएमआर रिप्रेजेंटेटिव से, प्लीज। आज दोपहर को 12:30 बजे तक 25,36,156 टेस्ट हुए थे। कल की अगर फिगर देखे जाए तो दूसरी बार 24 घंटे के अंदर